बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मज़ेदार टेस्टी से पैनकेक बनाएंगे। बहुत ही कम टाइम में ये मज़ेदार से पैनकेक बनकर तैयार हो जाते हैं। इनके बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है और खाने में काफ़ी मज़ेदार बनते हैं। मिक्सिंग बाउल में 1/3 कप ऑयल डाल देंगे। 1 कप मैंने कास्टर शुगर लिया है, ये डाल देंगे। चीनी का मैंने पाउडर बना लिया था। इसके लिए नमक डाल देंगे, मैंने 2 चुटकी डाला है। 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। 1/2 कप दूध लिए, ये हल्का सा नीम गर्म है, ये डाल देंगे और इसको एक बार विस्क कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से विस्क कर लिए। अब इसमें हम 1 कप मैदा डाल देंगे, ये मैंने छान के लिए, और दोबारा से इसको एक बार विस्क कर लेंगे। तो ये हमारा लिक्विड डो बनकर तैयार है। अब इसको हम इस कप से डाल देंगे, ये 1/2 कप है। इसी से हम इसको मेजरमेंट करेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं और इसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको हल्की आंच पे हम तकरीबन पकने देंगे, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर हल्के से बबल बनना शुरू हो गए। अब इसको हम पलटेंगे और इसको तकरीबन 1 मिनट तक हम दूसरी साइड से पकने देंगे, उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। ये जो इसका कलर है ना, ये दूसरी साइड वाला है, तो आप देख सकते हैं दूसरी साइड से भी अच्छा सा बनकर तैयार हुए। इसी तरह मैंने ऊपर से इसका कलर दे लिए। ऊपर से इसके हम बटर का स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर से हम शुगर सिरप डाल देंगे। तो ये हमारे पैनकेक बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने ये झटपट से बन जाते हैं और खाने में काफ़ी मज़ेदार होते हैं। ये थी आज की हमारी रेसिपी। इसके साथ ही जा चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर न्यू आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।